सिंगरौली में पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई की और 5 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। पुलिस ने इन पर ऑपरेशन शिकंजा के तहत ये कार्रवाई की है। लॉकडाउन के बावजूद अवैध रेत कारोबार रोकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के निर्देश पर पुलिस लगातार रेत कारोबारियों पर कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि बरहापान पिपरा कुरन में अवैध रेत का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद TI अरुण पांडे ने सूचना के आधार पर अवैध परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की और 5 ट्रैक्टर मौके से जब्त कर लिए और ट्रैक्टर ले जा रहे लोगों पर खनिज एक्ट के तहत कार्रवाई की। बीती रात्रि मुखबिर से शासक की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग कांदो पानी में रण नदी में रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इस सूचना पर एक टीम घटनास्थल पर रवाना की गई और घटनास्थल पर 5 ट्रैक्टर जो कि मौके पर बालू लोड कर रहे थे उनको पकड़ा गया और सभी को जब्त करके माइनिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है और प्रकरण माइनिंग विभाग को वैधानिक कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।